नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं गॉड्स का थर्ड इशू। तो गाइस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि आइको मिया नाम की लड़की को ढूंढ निकालती है और उसे ट्रेन करने के लिए लाइब्रेरी ऑफ वॉल्ट ले आती है। तो वही विन डॉक्टर स्ट्रेंज और डिमेटर मिलकर अनस्टेबल प्रोटोमेस क्यूबिक स्कोर को उसके गॉडली मास्टर के पास ले जाने की तैयारी करते हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम अमेलिया नाम की लड़की को सपना देखते हुए देखते हैं। तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि पिछले 5 सालों में हर रात अमेलिया को एक सपना आता है। उसे उस सपने में ओब्लिवियन दिखाई देता है जो हर किसी का अंत है। इस लड़की का पूरा नाम अमेलिया एडिसन है और उसकी फैमिली में सिर्फ उसका यंगर ब्रदर डिटेक्टिव मार्कस, उसकी वाइफ डेबरा और उनके 2 बच्चे एमोस और ग्रेटा रहते हैं। पूरी दुनिया इस लड़की को अमेलिया के नाम से जानती है, पर उसका ना ही ये नाम है और ना ही होगा, और ना ही जब मरेगी तब होगा। अमेलिया तो असल में कब के जा चुकी है और उसे रिप्लेस किया गया है। हमेशा से इस दुनिया के इतिहास में 5 कैसेंड्रा रहे हैं और उनमें से ये लास्ट है। यह सीन शिफ्ट होती है और हम लाइब्रेरी ऑफ वर्ल्ड देखते हैं। तभी विन डिमेट्री और डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ आ जाते हैं और वहाँ एक फ्रॉक से मिलते हैं जो रिसेप्शनिस्ट है। तभी विन उस फ्रॉक से कहता है कि हमारी यहाँ मीटिंग है, जिस पर वो फ्रॉक कहता है कि हाँ यह रिजर्वेशन किया हुआ है तुम्हारे लिए, बाकी सब स्टेशन क्रीपर वेट कर रहे हैं। देखा जाए तो वो रूम असल में बर्थ ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है, लेकिन आज के दिन हम उस पर कैसिलियस मास्टरपीस का लिमिटेड शो लगाने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैक प्रिस्ट और ब्लैक स्वान। ये एक सुंदर कहानी है जिसे मिटाया गया था पर अब फिर से रिस्टोर किया गया है। ये सुनते स्ट्रेंज कहता है बहुत बढ़िया। तभी विद डिमेट्री को साइड में लाता है और कहता है कि तुम यहीं पर वेट करना। ये कहते ही डिमेट्री पास के बार में चला जाता है। तो वही स्टेज और विन के सामने द्वार खुलता है और वे लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी वे दोनों देखते हैं कि वे दोनों किसी पहाड़ पर आ चुके थे। तभी वहां आने के बाद वे लोग वहां पे ब्लैक प्रिस्ट को देखते हैं। तभी ये देखकर विन स्टेज से कहता है कि मैं कैसिलियस का फैन नहीं हूं, जिस पर स्टेज कहता है कि उसका कौन बनना चाहेगा। लेकिन तभी उनके सामने सेंटमोर और आइको आती है। तभी सेंटमोर स्ट्रेंज और विन से कहता है तुम लेट हो। यहाँ डिमेट्री बार में आता है जहाँ पर पहले से ही मिया बैठी थी। तभी डिमेट्री वहाँ आके ड्रिंक मांगता है। तभी ये देखकर मिया डिमेट्री से कहती है कि ये तुमने अब भी जो मांगा है वो सुन के अच्छा लगा, वैसे इसमें क्या है। जिस पर डिमेट्री कहता है कि पता नहीं, बस नाम अच्छा लगा इसलिए मंगवा लिया। ये कहते डिमेट्री अपने डिवाइस पर वो ड्रिंक क्या है ये देखने लगता है। तभी डिमेट्री मिया से पूछता है कि तुम क्या मांगने वाले हो, जिस पर मिया कहती है कि मैं तो यहाँ दूध पीने आई हूँ। जिस पर डिमेट्री कहता है क्या दूध पीने आई हो, जिस पर मिया कहती है कि एक्चुअली मैं ये पीना चाहती हूँ लेकिन मेरी उम्र कम होने के कारण मुझे यहाँ पर सिर्फ यही मिला। तभी मिया डिमेट्री से पूछती है कि तुम कितने साल के हो, जिस पर डिमेट्री कहता है कि मैं 63 साल का हूँ। ये सुनते ही मिया को यकीन नहीं हो रहा था, जिस पर डिमेट्री कहता है कि हाँ यही सच है। तभी डिमेट्री का डिवाइस यही कहता है या हम कैसेंड्रा को देखते हैं और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि अमेलिया मर चुकी है और उसकी जगह कैसेंड्रा जिंदा हो गई है। ये खुद ये लड़की जानती है और अब उसने लोगों को ये बात बताना बंद कर दिया है क्योंकि कोई भी उसकी बातें नहीं सुनता है, फिर वो चाहे उसकी फैमिली हो या नहीं। जब हाइब्रेसिल समुद्र में डूब गया था तब कैसेंड्रा ने ये देखा था और वो बहुत रोई थी। उसने वहाँ के लोगों को भी ये बताना चाहा लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब एल्डोरेडो जल उठा तब कैसेंड्रा ने सबको बताना चाहा लेकिन कोई नहीं सुना। हर बार यही होता है, हर बार उसकी बात कोई नहीं सुनता है क्योंकि इन लोगों को ये झूठ ही सच दिखता है। एक अंधा कभी देख नहीं सकता है कि उसे किसने बचाया और कैसेंड्रा भी यही करने वाली है। ये कहते ही हम देखते हैं कि कैसेंड्रा ने एक पेपर पे ड्रॉ किया था जो उसे सपने में दिखाई दे रहा है। यार डिमेट्री मिया से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, जिस पर मिया कहती है कि मैं यहाँ एक डोर से आई हूँ जो यूनिवर्सिटी में खुला था
यह किसी तरह का मैजिकल पोर्टल था जिस पर डिमेट्री कहता है कि मानना पड़ेगा इतने कम उम्र में तुमने अपनी पावर्स को जान लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिस पर मिया कहती है कि एक्चुअली मुझे वो लड़की मिली थी जिसने मुझे ये रूम में लाया, उसका नाम एको है और अब मुझे लगता है कि मैं नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स की मिनियन हूँ। जिस पर डिमेट्री मिया से पूछता है, अच्छा अगर ऐसा है तो सेंट्रम ने यह कब से स्टार्ट किया? यहाँ हमें ब्लैक स्वान नजर आता है जिसे स्ट्रेंज देख रहा था। तभी सेंटमोर विन से पूछता है कि आखिर कर क्या रहा है। ये कहते ही हम देखते हैं कि स्ट्रेंज वहाँ पे देख रहा था कि किस तरह ब्लैक स्वान को बनाया गया था। तभी ये देखकर स्ट्रेंज वो स्क्रीन बंद कर देता है। तभी आइको स्ट्रेंज से पूछती है कि हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर स्ट्रेंज कहता है कि हमने बेबलॉन इवेंट के पीछे जो प्रोटोबेस था उससे पूछताछ की और तब हमें पता चला कि वो सोच के बाहर का है। तभी विन कहता है कि क्यूबिक स्कोर को फिर से रिप्रोग्राम किया गया है, वो भी इन बिटवीनर का वेसल बना के, और इनके एक्शंस की वेव सिंगुलर नहीं है और ना ही रेजोनेंस के बिना है। हमें लगता है कि लेसर गॉड्स प्रस्थान कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि ग्रेटर गॉड्स कुछ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? यहाँ वो बारटेंडर डिमेट्री से पूछता है और कुछ चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है और कहता है कि मुझे इनएस्केपेबल एबिस चाहिए। ये कहते ही वो आदमी आके डिमेट्री के बाजू में खड़ा हो जाता है। तभी उस आदमी को देखकर डिमेट्री कहता है कि नहीं ये नहीं हो सकता है, यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट यहाँ आए हुए कितना टाइम हुआ है। जिस पर डिमेट्री का डिवाइस कहता है कि यूनिवर्सल एब्स्ट्रैक्ट कभी इस जगह पर आया नहीं था, अगर वो यहाँ आया तो बहुत चांसेस है कि वो इस रिकॉर्ड से मिट जाएगा। ये सुनकर डिमेट्री डर जाता है। तभी ये देखकर मिया डिमेट्री से पूछती है कि तुम इतना डर क्यों गए। तभी डिमेट्री कहता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट असल में एक डिवाइसर है जो यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ पावर के साथ मिला है। इन लोगों के पास इमेंस पावर और अनफैथोमेबल मोटिवेशन होता है। एक हिसाब से ये ग्रेटर गॉड्स है और इसे ओब्लिवियन कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो बुरा होने वाला है। यह कैसेंड्रा सारे डॉट्स कनेक्ट करती है और तब उसे एक तारीख मिलती है जो है 20th October। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि कैसेंड्रा के पास फ्यूचर देखने का श्राप था और अब कैसेंड्रा के पास वो सब कुछ था जो उसे प्यादे से प्लेयर बना सकता है। वो ये जानती है कि वो क्या है जो सब कुछ खत्म कर सकता है, और वो ये भी जानती है कि वो कहाँ पर है और कौन से दिन ये सब कुछ करेगा। इसलिए जब उसके भाई को पता चला कि उसके फैमिली के साथ क्या हुआ है तो वो तुरंत तैयार होकर निकल पड़ा, लेकिन अपनी गन वही छोड़ गया। और अब कैसेंड्रा जानती है कि उसे क्या करना है और वो उस गन को उठा लेती है ताकि उससे वो उस आदमी को मार सके जिससे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। या डिमेट्री उस आदमी से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन तभी डिमेट्री को ऑब्लिवियन दिखाई देता है जो डिमेट्री से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आया था, पर तुम ये बात जानते हो। लेकिन तभी डिमेट्री को होश आता है और देखता है कि वो ऑब्लिवियन अब उस आदमी के जरिए बात कर रहा था। तभी वो ऑब्लिवियन कहता है कि फेथ एक अच्छी चीज है पर ये ग्रोइंग रैरिटी है, पर कभी पूरी ह्यूमैनिटी इस फेथफुल में गिनी जाती थी, और ये वही है जिसने मुझे मॉरल और इंटेलेक्चुअल दिया जिससे मैं खुद को बाकी सबसे अलग कर पाया, और ऐसा ही कुछ तुमने किया है। मैं जानता हूँ कि तुम इस क्रेडिट के लायक नहीं हो, ये तो सिर्फ एक सिंपल एक्ट था, हम गॉड्स ने ये क्रिएशन का काम किया है, तुम्हें बस इसे नकारना था। पर फिर वो दिन आ गया और तुम सब लोग भरोसा करना भूल गए। इंसानों ने गॉड्स को छोड़ दिया और कहा कि हम तो सिर्फ झूठ है, और फिर हमें खुद की बनाई हुई चीजों से रिप्लेस कर दिया। ये हरकतें छोटे बच्चों की होती है जो अपने पेरेंट्स की कॉपी करते रहते हैं। तुम लोगों ने तय किया कि तुम खुद गॉड बनना चाहते हो, पर उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम था, तुम ये भूल गए कि तुमने गॉड्स को नहीं बनाया है, हमने तुम्हें बनाया है, और तुम हमें कभी नहीं बना सकते हो। तुम लोगों ने हमें रिप्लेस किया अपनी बनाई हुई रचना से ताकि तुम लोग ऊपर उठ सको। इसके लिए तुमने पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, पर्सोना और एनिमा जैसी चीज बनाई, पर ये कोई भी चीज गॉड की क्रिएशन नहीं थी, बल्कि ये तो फ्लॉरेंस वर्क था प्रिटेंडर्स का, जो क्रिएशन के समय ही कोलैप्स कर गया था। एक ऐसी चीज जो हर बार बर्बाद होने के लिए बनी गई थी। तुम लोगों ने अपने फेथ को खो दिया है और अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बचने के लिए। मैं बाकी गॉड्स की तरह नहीं हूँ जिसे प्रेस और वर्शिप की जरूरत होती है, मुझे सिर्फ डिसिपल्स चाहिए। लेकिन तभी उस पार में कैसेंड्रा गन लेकर आती है, तो वही अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी के बारे में पता चलता है और वो तुरंत सबसे कहता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। या कैसेंड्रा अपनी गन उठाती है और एम के एक सोल्जर को मार डालती है। ये देखकर डिमेट्री हैरान था।
तभी हमें पता चलता है कि जिस आदमी को कैसेंड्रा मारना चाहती है वो एम का सोल्जर नहीं है। और तब वो सोल्जर अपने पास से एक डिवाइस निकालता है जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे कैसेंड्रा ने अपने सपने में देखा था, और तब वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज और वीर तैयार हो जाते हैं या वो डिवाइस सब कुछ खत्म करने लगता है कि तभी उस आदमी के जरिए ओब्लिवियन कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हें मेरा फेस नजर आएगा और साथ ही एनालेशन भी है, क्योंकि मैं अंत हूँ और मैं ही ओब्लिवियन हूँ। और यही पर ये इश्यू कंटिन्यू होता है।